फ्रेंड्स, आप सबका नॉस्टैल्जिया विद रतीश में स्वागत है। जिस तरह हम बारिश का इंतजार करते हैं, पौधों को भी उसी तरह से बारिश का इंतजार रहता है। उड़ीसा में मानसून आ चुका है। दो दिन से यहाँ बारिश हो रही है। कल रात भर यहाँ बारिश हो रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्लांट्स बारिश में कितने अच्छे से नहाए हुए हैं और कितने प्यारे, कितने ग्रीन, कितने फ्रेश लग रहे हैं। पत्तियों पर जब बारिश के बूंदे गिरते हैं ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सारे जो लीव्स, सारे जो पत्तियाँ, वो इतने खिले खिले लगते हैं कि आप देख सकते हैं। और जो मेरे फूल खिले हुए हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल आज लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम आज बहुत ही अच्छा है। मैंने कुछ दिन पहले ये 4 गुलदाउदी का कटिंग्स यहाँ पर मैंने लगाई थी, आज उसको मैं रीपटाऊँगी। लास्ट ईयर यहाँ पे मेरे जो फोटो में आप दिख रहे हैं, येलो कलर का गुलदाउदी, उसका वो प्लांट तो मैं बचा नहीं पाई थी, लेकिन उससे मैंने 4-4 कटिंग्स ले ली थी यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं की थी, ये सिर्फ सैंड है, सैंड के ऊपर ही मैंने इसको लगा ली थी, देखिए। और ये आफ्टर 20 डेज कितने अच्छे से ये इसके रूट्स निकल आए हैं। यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर जो इसके लिए ज़रूरी है, वो मैंने प्रिपेयर कर ली हूँ। सैंड में थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिला ली हूँ, और इसमें बस थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट में ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसका सॉइल मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, कोई भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। आप सैंड के ऊपर ही वो गुलदाउदी के कटिंग्स लगा लीजिए, वो बहुत अच्छे से 15 से लेकर 20 डेज के अंदर ही इससे रूट निकल आएंगे। आपको मैं अभी दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे, कितने सारे इसके रूट्स निकल आए हैं, देखिए। तो आप भी इस तरह से गुलदाउदी के कटिंग्स लेके यूँ न्यू प्लांट बना सकते हैं। अब इस गमले में मैं 2 प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि जो कि अभी छोटे छोटे हैं, उनको मैं बाद में लगाऊंगी। ये जो दूसरा वाला है, उससे भी देखिए, उसमें भी कितने अच्छे से कितने सारे रूट्स निकल चुके हैं, और इसको भी मैंने लगा ली हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ जुलाई अगस्त तक ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, और फिर सितंबर अक्टूबर तक इनमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। अभी मानसून आ रहा है, तो आप भी अपने गुलदाउदी के कटिंग से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और इस तरह से आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने गुलदाउदी के प्लांट्स को। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए, और जो नए फ्रेंड है अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। के लिए बस इतना ही, बाय।